प्रथम तहलका न्यूज। फतेहाबाद में पैसों को दुगने करने का लालच देकर ठगी करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने काबू किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 20,000 रुपए नकद, एक मोबाइल फोन और गाड़ी बरामद की है। पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वही मामले में DSP सुभाष चंद्र ने जानकारी देते हुए कहा कि रतिया निवासी युवक राहुल ने शिकायत देकर उससे हुई ठगी का मामला दर्ज करवाया था। राहुल के अनुसार सिरसा रोड पर एक होटल के नज़दीक आरोपियों ने उसे रुपए डबल करने का लालच दिया और उसके पास रखे 20,000 रुपए छीनकर फरार हो गए। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी और उन्हें भूना रोड पर माजरा टी पॉइंट के नज़दीक से काबू कर लिया। आरोपियों की पहचान हिसार के पिरावली निवासी सतनाम और गांव जंडाली निवासी बलराज के रूप में हुई है। ये बस अड्डा चौकी इंचार्ज को राहुल नामक व्यक्ति निवासी रतिया ने पैसों के लिए दरखास्त दी थी, जिसने बताया था कि पाली होटल के सामने दो व्यक्ति गाड़ी में सवार होकर आए थे और उससे 20,000 रुपये छीन कर भागे, रुपये दुगने करने का लालच देकर और 20,000 रुपये छीन कर जो है सब भागे, जो जिस पर पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज करके अपने विशेष सूत्रों से पताधरी करके और दोनों व्यक्तियों को माजरा रोड से काबू कर लिया और दोनों व्यक्तियों से जो है ना एक कार, एक मोबाइल और 20,000 रुपये छीने गए, बरामद करके पैसे दर्ज किया जिन्हें आज न्यायिक हिरासत में। प्रथम तहलका के लिए फतेहाबाद से सुनील कुमार की रिपोर्ट।